नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने NTPC का जो रिज़ल्ट है साइको टेस्ट के लिए वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, कई चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी, जो इस वीडियो में आपके सारे डाउट हैं, सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा कि रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है, कट ऑफ जो है 120 में से गया है या फिर 100 में से गया है, और फाइनल जो रिज़ल्ट रहेगा वो कैसा बनेगा। और अभी जो है केवल लेवल 4 और 6 में कुछ ही पोस्टों का रिजल्ट क्यों आया है, बाकी का क्यों नहीं आया है, तो सारी जो चीज़ें, सारे जो आपके डाउट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पर दूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोल रखा है पहला नंबर, अगर हम पहला देखें तो देखिए यहाँ पर पहला बोल रखा है कि सेकेंड स्टेज CBT का जो रिज़ल्ट है वो आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों 9/5/2022 को ही लेवल 6 की, और उसके बाद में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि जिसको आप साइको टेस्ट बोलते हो, उसके लिए जो छात्र हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर है वो आपको नीचे दिए गए हैं। और ये जो छात्र हैं इनको एग्ज़ाम CT इंटीमेशन जो है शॉर्टली यानी कि जल्द ही आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा RRB SMS ईमेल के माध्यम से, और आप जो है 4 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बोल रखा है कि द शॉर्ट लिस्टेड इज बेस्ड ऑन द मेरिट इन सेकेंड स्टेज CBT एंड एक्सटेंड रिजर्वेशन रूल, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना, ये आपके सेकेंड स्टेज जो CBT हुआ था यानी कि CBT 2, उसमें आपकी परफॉर्मेंस और आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के बिहाव पे किया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोल रखा है कि 8 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा, 8 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। और किन किन पोस्ट के लिए, केवल 2 पोस्ट के लिए, एक आपका स्टेशन मास्टर है जो आपका लेवल 6 का है, और एक आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट जो आपका लेवल 4 का है। केवल इन्हीं पोस्ट का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हुआ है, मतलब साइको टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट को लिए जाने हैं 8 गुना उनको यहाँ पर लिया है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर बोल रखा है वही आपके निर्देश वगैरह है जो आपके कुछ काम के हैं नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर आपकी दी गई है, और 8 गुना छात्रों को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है आपके, ये TA के लिए हैं 7321 छात्रों को जो आपके लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं, और ऊपर जो रोल नंबर हैं वो आपके लेवल 6 के यानी कि आपके स्टेशन मास्टर हैं उनके लिए यहाँ पर लिए गए हैं। तो 8 गुना छात्रों को यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कट ऑफ मार्क्स आपका जारी किया गया है बेंगलोर की तरफ से, और धीरे धीरे सभी जोन रेलवेज हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। UR का आप देखेंगे 71.33, SC का 55.33, ST का 51, OBC का 63.333, EWS का 62.333। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ना आपको 333 ये दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 6667 या फिर पूरा, यानी कि आप एक चीज़ देखेंगे कॉमन सी चीज़ कि यहाँ पे लास्ट में क्या है कि आपका 0.333, 0.666 या फिर पूरा नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ना, इसमें ज़्यादा संभावना ये है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 120 में से बनाया गया है, क्योंकि 120 में से आप जब बनाओगे ना, तो यहाँ पर जब आप जो आपका परसेंटेज आप बनाओगे, जितने भी आपके नंबर हैं, जैसे 80 नंबर हैं तो 80 का 120 आप निकालोगे, तो यहाँ पर जैसे इसको आप शॉर्ट लिस्ट करोगे ना, तो ये आपका देखिए जैसे 40 से हम काट दें 2/3 आ जाएगा, और 2/3 का मतलब 0.667। तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि जो कट ऑफ है वो 120 में से बनाया गया है, ना कि दोस्तों 100 में से बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको अगली चीज़ कि यहाँ पर केवल 4 और 6 लेवल जो है उनमें कुछ ही पोस्टों का रिजल्ट यहाँ पर क्यों अनाउंस किया गया है, बाकी का क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन कर रखा है कि जो साइको टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो केवल 2 ही पोस्टों के लिए होगा, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपका जो CBT 2 में जो आपका स्कोर है उसका 70% यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्लियर बोल रखा है, जो आप सेकेंड स्टेज CBT देंगे उसका 70% वेटेज जुड़ेगा, और आपका जो 30% जो है वो आपका जो साइको टेस्ट होगा ना उसका यहाँ पर जुड़ेगा। तो क्लियर रूप से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका ये जो मार्क्स है वो 120 में से है, लेकिन बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो आपके 100 में से ये बना देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 100 में से आपका जो पेपर लास्ट में जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो यहाँ पर बनेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए और भी पोस्ट हैं लेवल 4 और 6 में, उनका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया गया
क्योंकि उनमें देखिए साइको टेस्ट होने के बाद उनका एक साथ रिजल्ट यहाँ पर आएगा। अगर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि टोटल जो आपके पोस्ट हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आपके लेवल और 4-6 के अंदर हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 4 में आपके एक ही पोस्ट है, लेकिन लेवल 6 के अंदर आप देखेंगे तो आपके दो पोस्ट हैं, जो आपका एक कमर्शियल अप्रेंटिस, एक आपका स्टेशन मास्टर। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपका साइको टेस्ट है, जबकि इस पोस्ट के अंदर साइको टेस्ट नहीं है। अब देखिए इसका रिजल्ट किस प्रकार से अनाउंस किया जाएगा। सबसे पहले लेवल 4 में जो है केवल, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। लेवल 6 में क्या होगा कि स्टेशन मास्टर के लिए साइको टेस्ट करा लिया जाएगा, और साइको टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट ये जो है लेवल 6 का यहाँ पर एक साथ अनाउंसमेंट किया जाएगा। यानी कि जिन छात्रों ने आपका साइको टेस्ट दिया है, क्वालिफाई हो गए हैं, वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट ले लेंगे, और जो आपके साइको में फेल हो जाएंगे लेकिन अगर उनकी कट ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस से ज़्यादा है तो उनको दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। बाकी दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर और बाकी जोन रेलवेज का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा तो उसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे रेलवे की पाठशाला, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप जो है लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर रेलवे के प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।